देखिए, बहुत सारे विद्यार्थियों ने या अभ्यर्थियों ने कमेंट करके पूछा है कि YouTube चैनल पर कि यहाँ पर देखिए एडियो की वैकेंसी पहली आ रही है या फिर हॉस्टल वाले की। तो देखिए, आखिरकार एडियो की तैयारी करें या फिर हॉस्टल वाले की, तो सबसे पहले उनको विद्यार्थी को कहना चाहूँगा कि देखिए एडियो की वैकेंसी पहले या फिर हॉस्टल वाले की, आखिर पढ़ना तो आप ही को है ना। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह रहता है कि इन दोनों का सिलेबस बिल्कुल डिफरेंट है। यानी कि देखिए, जिनको मैथ्स नहीं आता, रीजनिंग नहीं आता, इंग्लिश नहीं आता, वो एडियो की तैयारी कर सकता है, या फिर जिनको मैथ्स आता है, रीजनिंग आता है, इंग्लिश आता है, वो फिर हॉस्टल वाले की तैयारी करें। क्योंकि देखिए, जिनका दोनों का सिलेबस बिल्कुल डिफरेंट है, यानी कि बहुत ही अलग है। अगर आप लोग अधिकारी बनना चाहते हैं, सहायक विकास विस्तार अधिकारी एडियो, यानी इनका सिलेबस बिल्कुल डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया गया है, ठीक है। इनका सिलेबस में आपको बता दूंगा, लेकिन डिटेल जो सिलेबस में बताया हूँ वो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया गया है। साथ ही हॉस्टल वार्डन के बारे में बात करें तो इसकी वैकेंसी बहुत जल्द देखने को मिल सकता है, ठीक है। यानी कि आप लोग एडियो की तैयारी करें या हॉस्टल वार्डन की पढ़ना तो आप ही लोगों को है ना। इसीलिए मैं आप सभी को कहना चाहूंगा कि दोनों ही की तैयारी करें। बिल्कुल उसमें दो सामान्य बातें हैं, सामान्य अध्ययन तो पूछता ही है सभी एग्जाम में, चाहे व्यापम की तैयारी करें चाहे पीएससी एग्जाम की तैयारी करें, ठीक है। जैसे कि उसमें सामान्य अध्ययन में क्या हो गया, भारत का ये सामान्य ज्ञान है, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, उसमें तो कॉमन सी बात है जो आपके हॉस्टल वार्डन और रेडियो में पूछा जाएगा। साथ ही उन दोनों को सिलेबस अलग है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हॉस्टल वार्डन के बारे में बात करें तो हॉस्टल वार्डन का जो सिलेबस है, यानी कि उसमें कंप्यूटर का 50 नंबर पूछा जाता है, ठीक है। कितना नंबर? 50 नंबर। साथ ही उसमें हिंदी रहेगा, सामान्य अध्ययन रहेगा, गणित रहेगा, अंग्रेजी रहेगा, छत्तीसगढ़ करंट अफेयर रहेगा, छत्तीसगढ़ का इतिहास रहेगा, छत्तीसगढ़ की पूरी संपूर्ण जानकारी विशेष करके संदर्भ में। यानी कि इसमें महत्व सबसे पहली बात है कि हॉस्टल वार्डन में कंप्यूटर के टोटल 50 नंबर प्रश्न पूछा जाएगा, उसमें आपको 25 नंबर लाना अनिवार्य है। अगर आप लोग 25 नंबर नहीं लाते तो उसमें आपको फेल माना जाएगा। चाहे आप गणित में पूरा में नंबर लाओ, चाहे इंग्लिश में, हिंदी में, चाहे सामान्य ज्ञान में, अगर आप कंप्यूटर में पास नहीं होते तो आपका पेपर चेक नहीं किया जाएगा, यानी कि OMR sheet आपका चेक नहीं किया जाएगा, ठीक है। और एडियो की बात रही तो उनका सिलेबस बिल्कुल डिफरेंट है हॉस्टल वार्डन में। तो देखिए, उसमें आपका जो सिलेबस है एडियो का, उसमें आजीविका, ग्रामीण विकास, पंचायती राज व्यवस्था, ये बिल्कुल तीनों ही अलग ही सब्जेक्ट है। ये देखिए, जो पंचायती राज व्यवस्था है उसमें आपका 30 नंबर पूछा जाता है, ग्रामीण विकास होगा उसमें भी 30 नंबर पूछा जाएगा, साथ ही आपका जो आजीविका है उसमें भी 30 नंबर पूछे जाएंगे। और रही बात हिंदी की, तो हिंदी का आपको संपूर्ण विश्लेषण पढ़ना पड़ेगा, उसमें भी 30 नंबर पूछा जा रहा है, जबकि हॉस्टल वार्डन में 10 नंबर पूछा जाएगा। यानी दोनों में डिफरेंट है, पढ़ना वही है आपको, लेकिन डीप आपको पढ़ना है एडियो के एग्जाम में। और रही बात सामान्य अध्ययन में, तो सामान्य अध्ययन में 36 विशेष कर पूछा जाएगा एडीओ में, और साथ ही भारत का संविधान बस पूछा जाएगा उसमें एडीओ में, ठीक है। पूरा संपूर्ण इतिहास वगैरह नहीं पूछा जाएगा, उसमें सिर्फ भारत का संविधान पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ, अगर एडीओ की वैकेंसी पहले आ रहा है या फिर हॉस्टल वार्डन की, इन पर ध्यान ना दीजिए, आपको सिर्फ पढ़ाई करना है, आपको एग्जाम में प्रिपरेशन करना है कि आपको कैसे तैयारी करना है। रणनीति मैं आपको बता दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया गया पूरे सिलेबस के साथ, ठीक है। अब रही बात देखिए अन्य एग्जाम जैसे SI भर्ती की, तो इसका एग्जाम तो प्री का हो ही चुका है, मेंस की तैयारी चल रही है, ठीक है। तो हमारे चैनल पर 1 मार्च से न्यू बैच प्रारंभ किया गया है SI भर्ती का, हॉस्टल वार्डन का, एडीओ का, लेकिन क्लास एडीओ का प्रारंभ कर दिया गया है, ठीक है, हमारे चैनल पर। और हॉस्टल वार्डन रही बात, तो उसका होली के बाद हम देखेंगे क्लास, ठीक है। और SI मेंस की तैयारी भी चल रही है, अगर आप लोग प्लेलिस्ट पर जाइए देख सकते हैं हमारे चैनल का, ठीक है। साथ ही बिल्कुल फ्री है, यूट्यूब पर रिकॉर्डेड क्लास अपलोड की जा रही है, लेकिन अभी फिलहाल होली के चलते 2-3 दिन क्लास मिस हो चुकी है। तो अगर आप लोग बने रहिएगा, अगर डेली क्लास करना चाहते हैं तो बिल्कुल होली के बाद बिल्कुल प्रिपरेशन करते रहिएगा, चाहे एग्ज़ाम आए या ना आए, कभी भी आए एग्ज़ाम, आपको तैयारी करना ही है, ठीक है। और बात देखिए एडियो का है, तो एडियो में बिल्कुल आपको सिलेबस में बता दिया था, अगर वो वाला सिलेबस नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया गया है, ठीक है, जाइएगा उस वीडियो को देख लीजिएगा। पूरी जानकारी आपको बता दिया हूँ कि कैसे रणनीति है, क्या तैयारी करना है, कितने पदों पर भर्ती होगी, कौन कौन से और कौन कौन भाग ले सकते हैं, ग्रेजुएट ले सकते हैं, 12वीं पास ले सकते हैं, क्या होगा, पूरी जानकारी मैं बताया हूँ। और हॉस्टल वाले की रही बात,
तो उनका सिलेबस भी आपको मैं बता दिया, वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया गया है, ठीक है, पूरा जानकारी आपको बता दिया हूँ। हॉस्टल वाटर में आपको 150 नंबर का रहेगा, 150 प्रश्न रहेगा, ठीक है, उसमें आपका हिंदी का 10 नंबर, इंग्लिश का 10 नंबर, साथ ही गणित का 20 नंबर, कंप्यूटर का टोटल 50 नंबर पूछा जाता है। और सामान्य अध्ययन के बारे में बात करें तो उसमें भी 20 नंबर पूछा जाएगा, करेंट अफेयर भी 20 नंबर रहेगा, विशेषकर छत्तीसगढ़ के संदर्भ में। एडियो में आपको पूछा जाता है सामान्य अध्ययन, मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है, यही दोनों में अंतर है। अगर डिफरेंस की बात करें तो देखिए, एडीओ में पंचायती राज व्यवस्था, ग्रामीण विकास, आजीविका, ये तीनों ही सब्जेक्ट अलग है, इसमें आपको मैथ्स पढ़ना नहीं पड़ेगा। जो लोग विद्यार्थी मैथ्स में कमजोर है, रीजनिंग में कमजोर है, इंग्लिश में कमजोर है, वो आप एडीओ की तैयारी करें, मेरे हिसाब से तो बेहतर वही रहेगा। साथ ही अगर आप हॉस्टल वाटर की तैयारी करना चाहते हैं तो उसमें मैं आप सभी को बताऊंगा, हॉस्टल वाटर में जिनका मैथ्स वीक है वो तैयारी ना करें, ठीक है, और जिसका मैथ्स अच्छा है, अच्छा बना सकते हैं, रीजनिंग अच्छा बनता है उनका, ऐसी ही चीज़ है, इंग्लिश ऐसी बना सकते हैं, तो वो हॉस्टल वाटर की तैयारी करें। कॉमन बात है, सामान्य अध्ययन हर एक एग्जाम में पूछता है, इसीलिए मैं आप सभी के लिए कहना चाहता हूँ कि जो लोग तैयारी करना ही चाहते हैं तो बिल्कुल बने रहिएगा, डेली क्लास कराया जा रहा है हमारे चैनल पर, ठीक है। अब रही बात एडीओ की वैकेंसी पहले आएगी या हॉस्टल वाटर की, इसका तो मैं कुछ नहीं कहा जा सकता, मैं नहीं कह सकता कि एडीओ की पहले आएगा या फिर हॉस्टल वाटर की, तैयारी तो आप ही को करना है, प्रिपरेशन आप ही को करना है ना, इसीलिए मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप दोनों में डिफरेंस कॉमन तो मैं आपको बता दिया हूँ, लेकिन सामान्य अध्ययन हर एक एग्जाम में पूछता है, सबसे पहले उसको तैयारी कर लो। भारत का संविधान हर एक एग्जाम में पूछता है, भारत से वो भी पढ़ लो। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर वो भी हर एक एग्जाम में पूछता है। बस रही बात एडीओ में तीन सब्जेक्ट है, ग्रामीण विकास, पंचायती राज व्यवस्था और आजीविका, ये तीनों आप लोग बाद में पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सामान्य अध्ययन में रणनीति बनानी पड़ेगी, छत्तीसगढ़ का इतिहास विशेषकर, साथ ही भारत का इतिहास, ये आप कॉमन है ना, ये सब पढ़ लीजिएगा, भारत का छत्तीसगढ़ का दोनों ही पढ़ लीजिएगा, आप एग्जाम में पूछता है, बस उनमें डिफरेंट है तीन सब्जेक्ट का, ठीक है। अब बात करें हॉस्टल वाटर की, तो हॉस्टल वाटर अंग्रेजी का पूछा जाएगा 10 नंबर, आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है, जैसे कि ग्रामर वगैरह पढ़ लीजिएगा, ठीक है, उसमें विशेषकर है ना। और जैसे छत्तीसगढ़ तो हर एक एग्जाम में पूछता है, छत्तीसगढ़ करंट अफेयर हाल ही में जितने भी अभी बजट वगैरह हुए उनसे भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि अभी पीएससी का एग्जाम हुआ था उसमें हाल ही का पूरा करंट अफेयर ज़्यादा पूछे गए थे, उसी प्रकार मैं आपको कहना चाहूँगा कि जितने भी अभी सामान्य ज्ञान है वो सब अभी पढ़ लीजिएगा, जैसे ही आपको एक महीना बचेगा, ठीक है, जैसे कि एग्जाम आपका व्यापम ले रहा है तो आपका एक से डेढ़ महीना आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो उसमें आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि जो लोग प्रिपरेशन करना नहीं चाहते तो अच्छे से रणनीति बने, ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक घंटा दो घंटा रेस्ट करके पढ़िएगा, ठीक है। और पढ़ते वक्त आपको मोबाइल साथ में नहीं रखना है, अगर मोबाइल साथ में रखते हैं तो फिर आपका ध्यान भंग हो जाएगा, नोटिफिकेशन आ गया इसको चलिए एक बार चैट कर लेता हूँ, फिर रील्स देखने के तैयार हो जाओगे, रील्स देखोगे फिर चलिए 5 मिनट रील्स देखता हूँ, ऐसे कर खिसकाते पूरा लंबा चला जाएगा, आधा घंटा कब बीत जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए कह रहा हूँ अगर आप पढ़ाई करने बैठोगे तो साथ में मोबाइल ना रखें, अगर आवश्यकता पड़ने पर डाटा ऑन करके ही रखें, ठीक है, आवश्यकता पड़ने पर ही, अन्यथा मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप मोबाइल रख लो साथ में फिर पढ़ाई करो, ऐसा नहीं होता ना, बिल्कुल पढ़ते रहिएगा, डेली क्लास करते रहिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।